राधे श्याम जुलानिया साहब को जानते हैं? क्या, कौन जुलानिया? हद है साहब, आप भी भूल गए। चलिए, आपका भूलना तो समझ आता है, लेकिन साहब सरकार भी भूल गई थी। चौंकिए मत, 100% सच है, और वो भी एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने। जी, पूरे 6 महीने तक जुलानिया साहब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। तनख्वाह बैंक अकाउंट में कूदती रही, लेकिन जो ना मिला वो था पद। बेगाने से बड़े साहब दिन गिन गिन कर आखिरकार 30 सितंबर को रिटायर हो ही गए। तो साहब अब समझ ही गए होंगे आप, अभी भी नहीं, अरे वही तेज तर्रार तुनक मिजाज माने जाने वाले एसीएस राधे श्याम जुलानिया। कभी तूती बोलती थी, सरकार के आंखों के तारे थे। इतना ही नहीं बल्कि साहब के बूते जल संसाधन विभाग खूब नाचा, यहां तक कि महकमे की उपलब्धियां चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा तक बन गई थी। लेकिन साहब इतनी नाराजगी कि दिल्ली वापसी के बाद कोई पद तक देना मुनासिब ना समझा गया। एक और एसीएस मनोज श्रीवास्तव शायद याद हो आपको, जनाब ने मुखिया जी के पीएस की जिम्मेदारी खूब निभाई। बोले तो शासन से लेकर प्रशासन तक एकदम चरचराटा था। समझ के तार झंझनाए तो दूरी बढ़ी, जिम्मेदारी में बदलाव हुआ। समीकरण कुछ ऐसे बने कि साहब सेवा से विदाई के सिर्फ 20 दिन बाकी थे, लेकिन मौजूद विभाग से भी रुखसती फरमा दी गई। आखिर ऐसा हुआ क्या साहब कि इन अफसरान को इस तरह की स्थिति से दो चार होना पड़ा? वजह तो होगी, गलती हुई तो सजा मुकर्रर होती, और यदि आपसी खलिश तो साहब काम चलाओ जिम्मेदारी देकर सम्मानजनक विदाई तो संभव हो सकती थी, लेकिन ना हुआ। वजह जो भी हो, इतने बड़े अधिकारी हाथ नापते सिर पकड़ते रुखसत हो ही गए। दरअसल बीते वक्त में प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के बीच गलबहियां खूब बड़ी हैं। जिसका मामला जम गया साहब, वही अफसर अपने तरीके से तंत्र का खेत जोतने लगता है। जब तक दांव चला बल्ले बल्ले, लेकिन जब दूसरे अफसर की गोटी जम गई तो फिर तंत्र भी अंगड़ाई लेने में कोई चूक नहीं करता। आपसी मनमुटाव महत्वाकांक्षा के चलते दूसरे की संभावनाओं को समाप्त करने का कुचक्र शुरू हो जाता है। चलिए, ये अफसरान तो निपट गए, लेकिन छोड़ गए तो व्यवस्था को लेकर सवाल, क्या प्रशासनिक सेवा के ढांचे को बदलने की आवश्यकता है? और यदि हाँ, तो फिर कैसा हो नया स्ट्रक्चर? आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।